10 साल से ये लोग सही से वोट नहीं दे पा रहे, आज तो यहाँ बाहर निकल के ये लोग खुल के आवाज उठा सकते हैं। आज 10 साल की बात लो, ये लोग बोलने का इजाजत मिले हैं, शादी मिले है। 10 साल से इन लोगों को बोलने का भी हक नहीं था। अगर कोई बोलते उसको गैजा के केस में, कोई ऐसे उसको घर में जाके तोड़फोड़ कर देते, बोलते तुम्हारे माँ बहन को हम उठा लेके चला जाएंगे, ऐसे भी हुमकी देते। अब मीडिया में देखे ना, कोई बोल रहे हैं CRPF तो 2 तारीख में चला जाएगा, तो बाद में हम देखे। एक कथा अपने सामने दाड़िए बोलते पारि, निर्वाचन हो गए भांगर विधानसभा केंद्रे आगामी 2 मे जयी प्रार्थी नाम नौशाद सिद्दीकी। आप बोलिए ना, मुस्लिम कितना है? 30%, ज्यादातर 30%। 30% को अपनी जोर रहे, ये क्या मैसेज देना चाह रहे कि मुसलमान 30% जोर रहे हैं, 70% तुम उधार जोड़ जाओ। ये तो BJP को लाने के लिए जीजी का एक पॉलिटिक्स है, ये साजिश है। इसीलिए तो हमारा डर है, जो दीदी यहाँ पे भाईचारा खत्म तो कर रहे हैं, ये भाईचारा खत्म करके BJP 2021 में लाने के लिए दीदी ने पूरा खुल के खेला नहीं चाकरी चाय, खेला नहीं कर्म चाय, खेला नहीं अधिकार चाय, खेला नहीं शिक्षा चाय, खेला नहीं गणतंत्र चाय। कथा बुझे आसछे ना? ওই লাল কার্ড দেখিয়ে দিয়েছে, ज्यादा जाएगा, वो जीत जाएंगे। अगर हर धर्म के लोग, हर समाज का लोग हमारे पास ज्यादा आएंगे तो हम जीत जाएंगे, समझू का मोर्चा जीत जाएंगे। मेरा मानना है इस साल में BJP को छोड़ के, DMC को छोड़ के, सबको छोड़ के संयुक्त मोर्चा की तरफ से, संयुक्त मोर्चा के पास सब आ रहे हैं। यहाँ मुसलमान सिर्फ नहीं, दलित आदिवासी हिंदू वोटर्स आ रहे हैं, मुसलमान नहीं आ रहे, वोटर्स आ रहे हैं। ये चुनाव हो रहा है, कि धर्म के बात नहीं चल रहा है, वोटर्स आ रहे हैं। इसीलिए संयुक्त मोर्चा 2021 में सरकार हत्या करे, তারা যদি মমতা ব্যানার্জির আপন হতে পারে তাহলে মমতা ব্যানার্জির কাছে প্রশাসন আগে নাই, মমতা ব্যানার্জির কাছে গরু চোর কয়লা চোর ভাই পোটা আগে। देने के अगर खुद को वोट देने का माहौल अगर हो जाए, जैसे हम पुरपुरासरी में वोट दिए थे, जैसा माहौल थे वैसा माहौल अगर फ्लोर में हो जाएंगे। 10 साल से ये लोग सही से वोट नहीं दे पा रहे, आज तो यहाँ बाहर निकल के ये लोग खुल के आवाज़ उठा सकते हैं। आज 10 साल की बात लो, ये लोग बोलने का इजाजत मिले हैं, शादी मिले। 10 साल से इन लोगों को बोलने का भी हक नहीं था। अगर कोई बोलते उसको गैजा के केस में, कोई ऐसे उसको घर में जाके तोड़फोड़ कर देते, बोलते तुम्हारे माँ बहन को हम उठा लेके चला जाएंगे, ऐसे भी हुमकी देते। अब मीडिया में देखे ना, कोई बोल रहे हैं CRPF तो 2 तारीख में चला जाएगा, तो बाद में हम देख लेंगे। CRPF भाई तो क्या है, वो मार्ट में रहेंगे, हम अंदर में खेलेंगे। CRPF को यहाँ का कुछ लोग धमकी दे रहे हैं, कितना बड़ा डान गुंडा बन गए। और इन सब के पीछे ममता बनर्जी का हाथ है, ममता बनर्जी समाज विरोधी बना रहे हैं, इसीलिए ये लोग बोल पाए, नहीं तो ये लोग वहीं बोल रहे हैं। 10 साल की बात, ये लोग जब उन लोगों से मौका मिला बाहर निकलने की, ये जो स्वाधीनता इसको मिले हैं, इस खुशी से ये लोग इतना भीड़ जमा रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं हमको जीने का हक मिल रहा है, हमको चाहिए, हमको हर समाज में मिलने का माहौल जो है, ऐसे स्टैंडर्ड ही हमारे भाईजान बना रहे, इसीलिए भाईजान के साथ हमें। ये सब आपके जो तबके हैं, ये सब गरीब और दबे हुए कुचले हुए इंसान है जिनकी आवाज़ आप उठा रहे। दीदी तो कह रही हो मुसलमान बटना मत, बटना मत, क्योंकि एक शैतान आया है और वो कुरकुरा के लड़के को लेकर चल रहा है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग, डर गई है आपसे या बौखलाहट है? देखिए, मेरा मानना है दीदी का गद्दी जाने वाले, क्योंकि 3 जगह चुनाव में दीदी ने समाज लिए, हमारे माहौल बहुत खराब है। इसी जगह दीदी का थोड़ा पोजीशन खराब हो रहा है, इसीलिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। दूसरा बात है, जो दीदी ने ये सब बोल के मुस्लिम वोट बटिए मत, आप बोलिए ना, मुस्लिम कितना है? 30%, ज़्यादातर 30%। 30% को अपनी जोर रहे, ये क्या मैसेज देना चाह रहे कि मुसलमान 30% जोर रहे हैं, 70% तुम उधार जोड़ जाओ। ये तो BJP को लाने के लिए जीजी का एक पॉलिटिक्स है, ये साजिश है। इसीलिए तो हमारा डर है, जो दीदी यहाँ पे भाईचारा खत्म तो कर रहे हैं, ये भाईचारा खत्म करके BJP 2021 में लाने के लिए दीदी ने पूरा खुल के
लिए काम कर रहे हैं। वो वैसी और अब्बास सिद्दीकी के बीच की क्या सेटिंग है? अरे सेटिंग नहीं है, मगर हमको जितना मालूम है इस बंगाल में सबसे पहले ओवैसी साहब को दीदी ने लेके आए थे नंदीग्राम में। ओवैसी साहब के साथ हमारा कोई सेटिंग नहीं, वो हमारा हिंदुस्तान की रहने वाला है। वो हैदराबाद में रहते हैं, हम पश्चिम बंगाल में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में हम चुनाव के लिए जब बात किए थे तो आशा से हमारे घर में आए थे, हम कुछ बात बोले थे, वो बात का अभी तक कोई सवाल का जवाब नहीं आए हैं। इसीलिए उन्होंने जब वोट चुनाव का वक्त आ गए तो हम चुनाव चालू कर दिए हैं। असद साहब क्या कर रहे हैं, असद साहब का उसका मर्जी है, उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आप दोनों के मैदान में होने से जो एक समुदाय की बात कर रही है दीदी, जिसको अपनी ओर समझती थी कि ये समुदाय उनके साथ ही जाएगा, वो समुदाय तो बट गया है, कंफ्यूज हो रहा है। कैसे बट गए हैं? क्योंकि आप भी मैदान में हो, वैसे भी मैदान में आप हो, वैसे भी जगह आपके। अरे टोटल 100% वोटर्स है, इनमें से किसी को 5% चाहिए, किसी को 10% चाहिए, जाएंगे जिसके पर ज्यादा जाएगा वो जीत जाएंगे। अगर हर धर्म के लोग, हर समाज का लोग हमारे पास ज्यादा आएंगे तो हम जीत जाएंगे, समझू का मोर्चा जीत जाएंगे। मेरा मानना है इस साल में बीजेपी को छोड़ के, डीएमसी को छोड़ के, सबको छोड़ के संयुक्त मोर्चा की तरफ से, संयुक्त मोर्चा के पास सब आ रहे हैं। यहाँ मुसलमान सिर्फ नहीं, दलित आदिवासी हिंदू वोटर्स आ रहे हैं, मुसलमान नहीं आ रहे हैं, वोटर्स आ रहे हैं। ये चुनाव हो रहा है, एक ही धर्म के बात नहीं चल रहा है, वोटर्स आ रहे हैं। इसीलिए संयुक्त मोर्चा 2021 में सरकार बनाने जा रहे हैं। आप कहें कि भांगर में हार भी जाएंगे तो अस्पताल बनाएंगे, और टीएमसी के ऊपर काफी आक्रमक नजर आए, धोखेबाज, झूठ, सब कुछ कहा ममता को। देखिए ममता बनर्जी ने यहाँ आके हमको थोड़ा छोटा बड़ा गाली दिए हैं, थोड़ा बस बोला है, मगर हमने जो बोला है धोखाबाज, धोखा किसको कहते हैं जो बोलते हैं बाद में नहीं देते, धोखा बोलते हैं ना, ममता दिया है नहीं दिया। दूसरा बात है झूठ बोलना किसको कहते हैं, जो बोलते हैं नहीं करते हैं उसको झूठा बोलते हैं, इसलिए झूठा बोला ही इसी बोला। एक तो ममता बनर्जी को अपना पर्सनल आपको ऊपर हमने नहीं किया है, मगर हमको पर्सनल अटैक कर रहे हैं ममता बनर्जी, फिर भी हमको और दूसरा हुमकी भी दे रहे हैं, हमको देख लेंगे, हम खुला अपना बोल रहे हैं। तो मेरा मानना है ममता बनर्जी को बीजेपी का जो प्रोटेक्शन है फूल, उसको यहाँ खिलाने का जिम्मेदारी लिए हैं। जिस फैक्ट्री से बीजेपी निकल रहे हैं उस फैक्ट्री को अगर हम ताला मार दें तो बीजेपी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए बोलना चाहते हैं, तुम बीजेपी को रुकना चाहते हो तो उस फैक्ट्री में ताला लगा। পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে, নৌশাদ সিদ্দিকী রুখে দাঁড়িয়েছে এবং বলেছে না এটা আপনি পারেন না করতে, এবং সেখানে সমস্ত বুথে পোলিং এজেন্ট বসানো হয়েছে। আজকে এ কথা আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, নির্বাচন হয়ে গেছে ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রে, আগামী 2 মে জয়ী প্রার্থীর নাম নৌশাদ সিদ্দিকী। খেলা হবে? খেলাতে নয়, খেলাতে নয়, চাকরি, চাকরি হবে বলুন। খেলা নয় চাকরি চাই, খেলা নয় কর্ম চাই, খেলা নয় অধিকার চাই, খেলা নয় শিক্ষা চাই, খেলা নয় গণতন্ত্র চাই। কথা বুঝে আসছে না? ওই লাল কার্ড দেখিয়ে দিয়েছে। এমনি তো দিদি, দিদির নাকি ঠ্যাং ভেঙে গেছে শুনছেন তো? আচ্ছা বলুন, এটা সত্য না মিথ্যা? ঠ্যাং ভেঙে গেলে পা দুলায়? যখন কোনো টেবিলে পা তুলে দেখবেন একদম আস্তে আস্তে, আর চেয়ারে বসে পা দুলাচ্ছে জোরে জোরে, কথা বুঝে আসছে? অথে বলে যাচ্ছি, ব্যক্তিগত আব্বাস সিদ্দিকীর কারো সঙ্গে রাগ নাই, দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য। সে হতে পারে আদিবাসী, দলিত, মতুয়া, সাঁওতাল, যেই হোক, গরিবদের হয়ে লড়ছি, আগামীতেও লড়ব। প্রশাসন বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে আমার একটাই কথা, প্রশাসন বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে আমার একটাই কথা, অমিতাভ দাদাকে ভুলে যাবেন না। অমিতাভ দাদা সেটা মধ্যম গ্রামের যুবক সন্তান, হালকা বয়সের সন্তান, সবই বিবাহ হয়েছে, তার পরিবারটা ধ্বংস হয়ে গেল। এই দিদিমণি বলেছিলেন, যাও বিমল গুরুংকে ধরতে হবে। সেই বিমল গুরুংয়ের গুন্ডাদের হাতে অমিতাভ দাদা গুলি খেয়ে মারা গেল। সর্বপ্রথম পশ্চিম বাংলায় যদি কেউ বুলেট প্রুফ জ্যাকেটের দাবি করে থাকে,
সেটা আমি দাবি করেছিলাম। আজও লড়াই চলছে। সংযুক্ত মোর্চা সরকার আসলে প্রশাসন বন্ধুদের জন্য বুলেট প্রুফ জ্যাকেটের ব্যবস্থা হবে। আর মনে রাখবেন, সংযুক্ত মোর্চা সরকারের একটা চেয়ার কিন্তু ভাইজান, একটা চেয়ারের পা কিন্তু ভাইজানের হাতে আছে। আমি বলেছিলাম না একটা পা লাগবে, একটা আছে। অথে প্রশাসন বন্ধুদের বলবো, সেই বিমল গুরুংয়ের সাথেই মমতা ব্যানার্জি আবার হাত মিলালো। তাহলে প্রশাসনকে যারা খুন করে, প্রশাসনদের যারা হত্যা করে, তারা যদি মমতা ব্যানার্জির আপন হতে পারে, তাহলে মমতা ব্যানার্জির কাছে প্রশাসন আগে নেই, মমতা ব্যানার্জির কাছে গরু চোর কয়লা চোর ভাইফোঁটা আগে। অতএব প্রশাসন বন্ধুদেরকে ভাবতে হবে। কথা বুঝে আসছে না? নাই, নিরপেক্ষ থাকবেন, কারো ভয়েতে জুলুমেতে ভুল পদক্ষেপ নিয়ে ফেলবেন না। বন্ধু হন, বন্ধু হয়ে থাকুন, বন্ধুর জন্য বন্ধু রয়েছে, বন্ধুর পাশে থাকব। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। সকলকে আমার আবার একবার জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। ভালো থাকেন, একটু হাত তুলেন। হ্যাঁ, স্লোগানটা, আমরা ভারতীয়, আমরা গর্বিত, ভিক্ষা নয় অধিকার চাই। আমরা ভারতীয়, আমরা গর্বিত, ভিক্ষা নয় অধিকার চাই। আরো জোরে বলুন, আমরা।